एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। अगर आप इस मेथड से सूजी का हलवा बनाएंगे तो आपका सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऐड करेंगे एक चम्मच देसी घी। अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू और बादाम। आप अपने फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट्स हलवे में डाल सकते हैं। दो मिनट के लिए हमें इसे रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम लो है, लो फ्लेम पर ही हमें इसे रोस्ट करना है। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे सूजी। हम यहाँ पर एक कटोरी सूजी लेंगे और सभी चीज़ों का मेजरमेंट हम इसी कटोरी से करेंगे। आपके पास जो भी कटोरी या गिलास है आप उसे नाप में बना लीजिए और सभी चीज़ों का मेजरमेंट उसी से कीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कटोरी घी। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, और अगर आप घी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप एक कटोरी भी ले सकते हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। चम्मच चलाते हुए हमें सूजी की भुनाई कर लेनी है। सूजी की भुनाई बहुत जल्दी हो जाती है, बस आपको चम्मच चलाते जाना है। इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। जब सूजी में से भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो समझिए कि सूजी की भुनाई हो चुकी है, और इसमें हल्का सा घी भी छूट जाएगा। आप देख सकते हैं सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और भीनी भीनी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी चीनी। गैस का फ्लेम लो है। तीन कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो चार कटोरी पानी भी ऐड कर सकते हैं। चम्मच चलाते हुए अच्छे से हलवे को पका लेना है, और गैस का फ्लेम इस स्टेज पर लो ही रखना है, वरना हलवे की छींटे उड़कर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। चम्मच चलाते हुए हमें हलवे को तैयार कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने अभी रोस्ट किए थे, वो इसमें ऐड कर देते हैं, और साथ में हम किशमिश और नारियल पाउडर भी ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से तैयार हो रहा है, और ये काफ़ी स्टेज तक कम्प्लीटली तैयार भी हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा घी डालेंगे, इससे एक शाइनिंग आ जाती है। अब हम ऊपर से ऐड करेंगे इलायची पाउडर से, और इसे डेकोरेट करने के लिए बादाम और काजू को लगा देते हैं, और ये इससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपका हलवा भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।